दोस्तों, हम चाहे दुनिया में कहीं भी चले जाएं, प्रकृति हमेशा हमारे साथ चलती है। बेहद खूबसूरत नज़ारे देखकर कोई भी हैरान हो सकता है, लेकिन जरा रुकिए, इसी प्रकृति की एक अलग साइड भी है जो बेहद बुरी, क्रूर और दुखदायक है। हमारी धरती पर बेहद अजीब जानवर भी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनकी ओर ध्यान ही ना दें। और आज मैं आपको जो दिखाऊंगा वो ऐसी ही क्रूरता के नमूने हैं। टर्टल। तास्मेनिया में एक सुबह एक मछुआरा अपनी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। उसने समुद्र में जाल फेंका, उसे उम्मीद थी कि वो बड़ी सारी मछलियां पकड़ कर लाएगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि उसके जाल में 100 किलो का कछुआ फंस जाएगा। लेकिन ये फंसा हुआ कछुआ आम कछुए से थोड़ा अलग था, क्योंकि उस कछुए का शरीर दो हिस्सों में बटा हुआ था। सामने वाला हिस्सा तो ठीक था, लेकिन पीछे वाला हिस्सा कुछ अलग था, क्योंकि उसके पीछे वाले हिस्से पर हजारों की संख्या में सीपियां चिपकी हुई थी। धीरे धीरे ये सीपियां कछुए को अपना शिकार बनाती जा रही थी। मछुआरे ने सही काम किया, उसने वो कछुआ अपने पास रखा और बाद में उसे एक हॉस्पिटल लेकर गया। और डॉक्टर्स ने बताया कि ये कछुआ बेहद नाजुक हालत में है और अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो जल्दी ही ये मर जाएगा। कछुए का शरीर हजारों अलग अलग तरह के जानवरों का घर बन चुका था। धीरे धीरे वो सभी मिलकर कछुए को खा रहे थे, साथ ही इसकी वजह से कछुए का भार भी बढ़ चुका था, जिससे वो कछुआ हिलडुल भी नहीं पा रहा था। किस्मत से कछुए को बचा लिया गया, उसकी कई सर्जरीज की गई और बाद में वापस उसे समुद्र में छोड़ दिया गया। लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक कछुए को हमने बचाया, ना जाने ऐसे कितने और कछुए या और जानवर होंगे जिनको दूसरे जानवर धीरे धीरे खा रहे होंगे। सैक्यूलिना। हमारी लिस्ट में अगला नाम आता है सैक्यूलिना का। ये एक ऐसा जानवर है जो सिर्फ केकड़ों पर अटैक करता है। अगर हम इसको जूम करके देखें तो ये किसी एलियन से कम नहीं लगता, लेकिन शायद आप विश्वास ना करें पर वैज्ञानिकों ने इसके अभी तक 116 प्रजाति ढूंढ निकाली है। ये दिखने में ही बेहद अजीब होते हैं। इनका ना कोई पैर होता है, ना ही कोई हाथ और ना ही कोई मुंह। ये बस एक चिपचिपी गोली जैसे होते हैं। लेकिन चाहे कुछ भी हो, एक नए सैक्यूलिना का जन्म होते ही उसका सबसे पहला काम होता है कि वो किसी केकड़े को ढूंढे, और जब उन्हें कोई केकड़ा मिल जाता है ये तुरंत उस पर चिपक जाते हैं। फिर इसके बाद ही घिनौना काम शुरू होता है। ये अजीब जानवर केकड़े की मजबूत खाल को चीरकर उसके शरीर में अपने पैर पसार लेते हैं, और यहीं से केकड़े की उल्टी गिनती शुरू होती है। अब केकड़ा सिर्फ इस जानवर के लिए लजीज खाना बनकर रह जाता है। कैसे आप एक केकड़े को ढूंढ सकते हैं जो इस जानवर की वजह से ग्रस्त हो? करना कुछ भी नहीं है, बस केकड़े को उठाइए, पलट कर देखिए, आपको चिपचिपी गोली उसके पेट पर दिख जाएगी। टॉक्सोप्लाज्मा। मैंने जितने परजीवियों के बारे में आपको बताया वो अभी तक मानव के लिए कोई खतरा नहीं थे, लेकिन बदकिस्मती से ये प्रजाति मानव की जान का खतरा बन सकती है। वैज्ञानिकों ने बताया कि ये छोटा सा परजीवी अपने से लाखों गुना बड़े जीव को नष्ट कर सकता है। ये परजीवी मुख्यतः आवारा बिल्लियों में पाया जाता है, लेकिन ये हर गर्म खून वाले जीव को अपना नुकसान बना सकता है। मानव का नाम भी आगे आता है। कमाल की बात यहाँ ये है कि एक स्वस्थ इंसान के लिए ये कोई दिक्कत नहीं देता, लेकिन जब वो इंसान किसी और बीमारी से ग्रस्त होता है तब ये परजीवी अपना रूप धारण कर लेता है और उसके बाद उस व्यक्ति को बीमार और बेहद बीमार बना देता है। कॉक्लियोमिया। शायद आपने भी पहले इस परजीवी का नाम सुना होगा। ये बेहद फेमस है और अमेरिका जैसे देश इस जीव से पिछले लंबे समय से लड़ रहे हैं। कॉक्लोमिया सबसे पहले 1982 में अमेरिका में ही पाया गया और 2016 में इस जीव के कई अलग अलग भाई बहन फ्लोरिडा में फिर से पाए गए। लेकिन ऐसा क्या है जो इन्हें बेहद खतरनाक बनाता है? असल में ये एक समय में 500 से ज्यादा अंडे दे देते हैं, और आप शायद विश्वास ना करें पर ये अपने अंडे सिर्फ खुले मांस पर ही देते हैं। मैं आपको ज्यादा कुछ इस जानवर के बारे में नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इन जानवरों को मुख्यतः मक्खियों में पाया गया है, और कई केस दुनिया के सामने आए जिसमें इस परजीवी की वजह से किसी इंसान की आंखें चली गई और किसी के दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया। बेहद छोटा पर बेहद खतरनाक है ये परजीवी। टेप वर्म। कच्चा मांस या अधपका मांस खाना, या मैं कहूँ गंभीर बीमारियों को बुलावा देने के समान है। दुनिया के सामने कई ऐसे केस आए जिनमें ये पाया गया कि टेपवर्म मानव की आंतों में पाए गए। ये अगर थोड़ी मात्रा में रहकर शरीर में मौजूद हैं तो कोई नुकसान इनसे नहीं होता, लेकिन जब ये अपनी मात्रा बढ़ा लेते हैं तब डायरिया जैसे रोग मानव में देखे जा सकते हैं। बड़े होने पर इनमें से कुछ टेपवर्म मानव के दिमाग तक पहुंच जाते हैं, जिसके बाद ट्यूमर जैसी बीमारी जन्म ले लेती है।
दोस्तों, आपको इनमें से सबसे खतरनाक कौन सा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।